तो ये देखो प्यारे बच्चों, ये प्रीवियस ए इसलिए क्वेश्चन रखा हूँ क्योंकि जो पहले वाला जो क्वेश्चन था उसी का एक दूसरा वर्जन है और सेम क्वेश्चन है बट न्यूमेरिकल वैल्यू में है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इसलिए रखा हूँ क्योंकि बच्चे बार बार इसमें गलती करते हैं, ठीक ना। तो अगर तुम देखोगे कि एक ब्लॉक है 2 kg रेस्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन, ये जो मास दिया हुआ है यहाँ 2 kg है और यहाँ पर एक ब्लॉक है वो रेस्ट में है, रेस्ट में मतलब है। तो अब यहाँ पे कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू प्रेजेंट है कितना है, 0.7, और ई इंक्लिनेशन एंगल है 30 डिग्री। अब फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक एंड प्लेन, मतलब फ्रिक्शनल देखो अगर ये रुका हुआ है रेस्ट में है तो नो डाउट कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं जो इसको रेस्ट में रखे हैं। तो एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड रख रही होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो नॉर्मल है उस प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड लग रहा होगा, तो एम जी का एक कॉम्पोनेंट ये 30 डिग्री होगा, तो एम जी का एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा जो होगा एम जी कॉस 30, और एम जी का एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा जो होगा एम जी साइन 30, ठीक है। तो एम जी साइन 30 इधर, और अब देखो ब्लॉक तभी रेस्ट में रह सकता है जब नॉर्मल की वैल्यू एम जी कॉस 30 के बराबर हो, ठीक है। और फ्रिक्शन की ये जो एम जी साइन 30 है इसकी वैल्यू पीछे लगने वाले फ्रिक्शन के बराबर हो तभी तो जाके ब्लॉक रेस्ट में रहेगा यार। ये जो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है वो इसके बराबर होगा। तो बच्चे क्या करते हैं यहाँ, गलती क्या करते हैं, हमेशा फार्मूला लगा देते हैं। अरे फार्मूला नहीं लगेगा, जैसे ही फार्मूला लगाओगे ना, एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू एन, ये नो डाउट, तो म्यू एम जी कॉस 30, तो ये फार्मूला मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन देगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन देगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम तो देख लेते हैं अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना यहाँ पर होगा, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन देखोगे तो 0.7, और यहाँ मास 2 है, जी की वैल्यू 10 है और कॉस 30 साइन 60 √3/2 है, तो 2 ने 2 को काट दिया, 0.7 ने 0.7 को, तो 7 और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से √3, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 1.7, ठीक है ना। तो वो 7 मल्टीप्लाइड बाई 1.7 में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना आता है, तो ये 7 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 आ जाएगा, 11.9 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या भाई, ये मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन है, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि बच्चे यह निकाल देते हैं। तो मैं आपको बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये लग भी सकता नहीं भी लग सकता है, ठीक है। ये कब लगेगा भाई, जब एम जी साइन थीटा 11.9 होगा तब जाके 11.9 लगेगा। तो एम जी साइन थीटा कुछ भी हो यहाँ पर, ये फ्रिक्शन की वैल्यू जो पीछे लग रहा है एम जी साइन 30 के तो बराबर ही होगा। और एम जी साइन 30 की वैल्यू कितना है, तो एम जी साइन तो मास 2 है, जी की वैल्यू 10 है, और यहाँ से साइन 9.8, चलो 9.8 रख लो, ये लो 9.8 लिए हैं, तो यहाँ से 9.8 और 1/2, मतलब ये तो 9.8 ही न्यूटन ही आया है एम जी, इसका वैल्यू 9.8 आया। तो इसीलिए कहते हैं फार्मूला नहीं लगाते हैं। तो जो फ्रिक्शन है वहाँ 11.9 में से यहाँ 9.8 न्यूटन ही लगेगा, जिसका नेचर स्टेटिक होगा। नेचर कैसा होगा, स्टेटिक होगा। तो कुछ भी हो, ये लगने वाला फ्रिक्शन एम जी साइन थीटा के बराबर ही होगा। तो आप फार्मूला डायरेक्ट नहीं लगाना, तो सवाल गलत हो जाएगा, वो मैक्सिमम निकाल के दे देगा फार्मूला, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, अपवर्ड लगेगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।